इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो यह पहला मौका नहीं है कि दीन इस्लाम, अल्लाह रसूल, कुरान हदीस पर हमले बारहा हुए हैं, हर दौर में हुए हैं, लेकिन हर दौर में दुश्मनान इस्लाम को मुंह की खानी पड़ी है। लिहाजा एक और खबीस, एक और मर्दूद जो हमेशा अपने आप को शिया व बोर्ड चेयरमैन कहता है लखनऊ, एक बार फिर इसने गुस्ताखी करते हुए पीआईएल दाखिल की हुई सुप्रीम कोर्ट में 26 कुरान की आयतों के खिलाफ। ये तो सभी जानते हैं कि जेरो जबर नुक्ता तक कभी भी तब्दीली नहीं की जा सकती कयामत। लिहाजा हमारे साथ बेलगाम शहर के दो इल्मी दानिश्वर मौजूद हैं, मुफ्ती जुहैर साहब और मुफ्ती मंजूर साहब। मिस भाई, आज लोगों की कई सारे आज ख्यालात थे कि बेलगाम के उलमा-ए-कराम इल्मी दानिश्वर इस पर कुछ कहे, तो सबसे पहले आप दोनों का खैर मकदम इस्तकबाल हमारे चैनल पर। जिस तरह से ये मामला उभर के आया, उछाला जा रहा, खासकर यकीनन एक साजिश है और इसके पीछे एक पूरी मुनज्जम मनसूबाबंदी है, लिहाजा आप इसे किस तरह देखते हैं, इसके लिए क्या आपके पास रद्दअमल है, क्या होना चाहिए, क्या करना है उम्मत को इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपना नाम जो उसने रखा है वसीम रिजवी, लखनऊ का रहने वाला है। सच बात तो यह है कि कुरान करीम ये अल्लाह पाक का कलाम है, और जैसे अल्लाह की ज़ात सरमदी और अबदी है, अल्लाह की सिफात, अल्लाह का कलाम भी हमेशा हमेशा रहने के लिए आया है। इसमें कोई तब्दीली और रद्दोबदल, आगे पीछे करना, पीछे आगे करना, ये 26 आयतों का मिटाना तो दूर की बात है, मामूली सा जबर या जेर भी आगे पीछे, ये एक मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना हो सकता। और ख़ुद ये इसकी जो ज़ात है वसीम रिजवी की, जैसे कि आपने बताया ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा, इसके बहुत सारे घपले, ये खुद मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है, खुद इसके जो उलमा हैं इन्होंने इसको दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया है, और ख़ुद उसके जो सगे भाई हैं उनका भी हमने वीडियो देखा, न नमाज पढ़ता है, न रोज़ा रखता है, न दीनी उसको शऊर है। कुरान ये अरबी की किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है, ये अरबी जानने वाले इसके बारे में जो है बहुत सारे जवाब दिए हैं। खुद मौलाना फकीहुल असर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब ने 26 सूरतों के ताल्लुक, 26 आयतों के ताल्लुक से पूरी वजाहत के साथ उसकी तफसीर की रोशनी में और इसके जवाब उन्होंने जो है दिए हैं। ये सिर्फ महज एक शोशा है ताकि मुसलमान और पूरी कौम की जो तवज्जो है वो तरक्की की तरफ से किसी और तरफ लगा दें, और ताकि मुसलमान भड़कें और मुसलमान जो है वो वरगलाएं, इसलिए जो है ये सब शोशे छोड़े जा रहे हैं। मुफ्ती मंजूर भाई साहब रहमत हबीब करीम, अम्मा बात आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, वैसे तो आमतौर पर हम फितनों के आदि हो गए हैं जी, लेकिन एक ऐसा फितना जिसने कौम मुस्लिम के दिल ज़मीर बिला तफरीक मसलक व मशरब पूरी कौम के को झंझोड़ कर रख दिया है, और वो फितना है मिस्टर मलऊन वसीम रिजवी की तरफ से मुकद्दस कुरान की 26 आयतों के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दाखिल करना, जिसमें उस मलऊन वक्त ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि इन मजकूरा 26 आयतों को कुरान से रिमूव करने का फरमान जारी किया जाए। सबसे पहले ये मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि कुरान किताब इलाही है, सहीफ़े आसमानी है, रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार की ज़ात अज़ली व अबदी है, कदीम है, इसी तरह हमारा ईमान और अकीदा है कि कुरान सिफ़त इलाही है जो कदीम है।
कदीम होने का मतलब साफ है कि उसमें किसी तरह की तब्दीली तगय्युर बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कुरान आज से 1450 साल पहले नुज़ूल शुरू हुआ और हर दौर में बिलखुसूस उस दौर में जब पूरा जज़ीरतुल अरब पर कुफार व मुशरिकीन का तसल्लुत था, वह अहले ज़बान थे, ज़बान व अदब फसाहत व बलागत ही उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। उस दौर में भी कुरान ने सारी दुनिया को चैलेंज किया, ज़बान व बयान के एतबार से, फसाहत व बलागत के एतबार से, हुस्ने तरतीब के एतबार से, मवाद और अहकाम के एतबार से कुरान पाक ने चैलेंज किया कि अगर तुम्हें किसी तरह का कोई शक शुबा हो तो फातु बे सूरत इब्न मिसली, तो कुरान की तरह एक सूरा पेश करो। लेकिन हमारे सामने मुख्तलिफ अकवाम की तारीखें मौजूद हैं कि सारी कोशिशों के बावजूद, खा वो कुफार मक्का हो या उस दौर में अहले इल्म कहे जाने वाले यहूद व नसारा के उलमा हो या दूसरी कौमों के मुफक्किरीन हो, बिल इत्तेफाक हर एक की ज़बान पर बात यही निकली कि इन्ना आतैनकल कौसर लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर, कि इन्ना आतैनकल कल कौसर यानी कलाम इलाही ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं है, और जब इंसानी कलाम ही नहीं है तो फिर उसका जवाब लिखना, उसके चैलेंजों का सामना करना किसी इंसान के बस में है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वो मुकम्मल निज़ाम हयात है और आखिरी सहीफ़ रब्बानी है कि जिसके ताल्लुक़ से रब कदीर ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान को नाजिल करने वाले हम ही हैं और उसकी हिफाजत भी हम ही करने वाली, यानी खुदाबंद करीम ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अपनी ज़ात पर रखी है। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया ला तब्दील अल कलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलाम में किसी तरह की तब्दील व तगय्युर हो ही नहीं सकती, ये मुमकिन ही नहीं। जब ये बातें इस कदर पुख्ता बुनियादों पर कायम है तो फिर खा मिस्टर मलून वसीम रिजवी हो या दुनिया का कोई दूसरा अबू जहल हो, कुरान की आयतों के ताल्लुक से इस तरह के बकवास बेहुदा बातें करे तो मुसलमानों के ईमान और अकीदे में उससे कोई फर्क आने वाला हरगिज नहीं है। अब बहैसियत एक मुस्लिम के अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उलमा बिरादरी मुसलमाना ने बेलगाम की तरफ से उस मलऊन के इन बकवास की भरपूर मजम्मत करते और हम इस बात की हुकूमत वक्त या सुप्रीम कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट गुजारिश और डिमांड करेंगे कि जिस शख्स ने अपने काले करतूत के बुनियाद पर पूरे 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, उनके अंदर अमन सुकून को खारिज कर दिया है, तो यकीनन हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक एक बड़ा मुजरिम है और इस मुजरिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। बहैसियत कौम की यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, कोई बुराई को देखे तो चाहिए कि अपने हाथ से रोके, वरना जबान से रोके, वरना दिल से तो जरूर बुरा समझे। लिहाजा मैं अपनी कौम से भी गुजारिश करूंगा कि उस मलऊन के खिलाफ जो भी कानूनी दायरे में रहकर उसके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो हर तरह की कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, है ना, होनी ही चाहिए, और कौम की यह जिम्मेदारी है
कि उनके खिलाफ हर तरह के कानूनी हथकंडे को और कार्रवाई कानूनी दायरे में रहकर उसके खिलाफ जो भी तदबीर मुमकिन हो, ताकि उस मलऊन को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये भी बात मैं वाज़ह कर देना चाहता हूं, हमने तारीख में देखा है बड़े बड़े फिरौन शद्दाद गुजरे, इस 1500 साल में न जाने कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हुकूमतें आई, लेकिन कभी किसी ने कुरान पाक मुकद्दस किताब के खिलाफ इस तरह की जसारत कभी किसी ने नहीं की। अब एक मामूली दो कोड़ी का मलऊन रिज़वी राफिज़ी अगर इस तरह के बकवास कर रहा है और अपने बकवास और बेहुदा बातों को मीडिया के सामने बेबाक होकर पेश कर रहा है, तो हमारे लिए इतना समझने ला काफी है कि ये खुद कुछ नहीं, ये किसी ना किसी का आलाए कार जरूर है। और इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन ताकतें इसकी पुष्प पनाही कर रही है, है ना, वरना इसकी क्या हिम्मत और जुरात के मुकद्दस कुरान के खिलाफ इस तरह के बकवास वो कर सके। बहरहाल हमें उन ताबूती और शैतानी ताकतों को भी पहचानने की ज़रूरत है, और कौम की ये जिम्मेदारी है, वो दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि हम इश्तियाल, हमारे अंदर इश्तियाल पैदा किया जाए और जज्बात में आकर हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि ताकि मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन ताकतों को एक हरबा मिल जाए। लिहाजा हमें भी समझदारी से काम लेना है और कानूनी दायरे में रह के सारी वो तदबीरें जो हमारे लिए मुमकिन है उसको कई फरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें अपनानी है। एक आखिरी सवाल एक ही सवाल कि जब से ये पिछले 6-7 सालों से हमने देखा है कि किसी न किसी तरीके से मसरूफ रखने की कोशिश हुकूमत की भी जानिब से की जा रही है, जब से यह खास कर अगर जिक्र किया जाए मोदी हुकूमत की जानिब कि उसके लिए मॉब लिंचिंग हो, फिर लव जिहाद हो, फिर 3 तलाक हो, यानी कि इस तरह से, अब तो किसान का एहतजाज आज भी जारी है, अब तो सियासी भी रंग ले चुका है किसान का एहतजाज, तो इस तरह के जो मामला पेश आ रहे हैं क्या इसी की एक कड़ी में आता है? अगर आ रहा है तो हमारे पास क्या मनसूबा बंदी या तो क्या हमारे पास एक प्लानिंग होगी इसके लिए? बसाहिर अगर इन फितनों के तसलसल को देखा जाए जी, तो मौजूदा वक्त में जब हमारा मुल्क सियासी तौर पर तजारत और बिजनेस के तौर पर इक्तिसादी मैदान में अमनो सुकून और पीस के हवाले से, सेकुलरिज्म और जमहूरियत के ताल्लुक से हर एक मैदान में हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया, यहां तक कि अब आलमी ताकतें भी हमारे मुल्क की सेकुलरिज्म पर और यहां की जमहूरियत पर उंगली उठाने लगी है। अब ऐसे हालात में जब 108 दिन से ज्यादा का लंबा अरसा गुजर गया किसानों की के एहतजाज का, हमारे सामने हिंदुस्तान के इंतहाई हसास बाज रियासतों में, टोटली 5 रियासतों में इलेक्शन सर पे है, और शायद आजादी के बाद जो लोग मीडिया पर नजर रखते हैं किसी रियासती असेंबली का इलेक्शन इस अंदाज में आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखा, जो मामला वेस्ट बंगाल में एक सेकुलर हुकूमत को खत्म करने के लिए ताकतें लगाई जा रही हैं, है ना, तो ऐन मुमकिन है, आपका शुभा कतअन बेजा नहीं, मुमकिन है, बल्कि इन हालात के तनाजुर में बिल्कुल सही है कि मुसलमानों की तवज्जो, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मुल्क की तवज्जो, है ना, जमहूरियत पसंद हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की तवज्जो सही, अमन पसंद भारतीयों की तवज्जो को मबजूल कराने और असल मुद्दा और मसाइल से उनके जहनो फिक्र को दूसरी तरफ फेरने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और इस तरह के मलऊनों को के कंधे पर रखकर
इस तरह की बंदूकें चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे मौके पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन नाजुक हालात में बड़ी दानिशमंदी से हम कोई फैसला लें और हरगिज हमारे नौजवान जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जिस तरह के कदम हमारे नौजवानों ने पीछे कुछ मसाइल को लेकर बेंगलोर वगैरह में उठाया और जिनका खमियाजा हमारी पूरी कौम को भुगतना पड़ा। हमें उस जालिम और इस तरह के इस्लाम और मुस्लिम दुश्मन अनासिर के खिलाफ हमें मुकाबला करना है, उनकी सरगोभी करनी है, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना है, लेकिन कानून के दायरे में इंतहाई दानिशमंदी और चालाकी के साथ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेलगाम शहर के दो। एक बात, इस्लाम मजहब इस्लाम के माना ही पीस के हैं, अमन के और शांति के। उसी इस्लाम में कुरान करीम नाजिल हुआ, उसी मजहब में। अब उस कुरान में इनका कहना है कि कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें दहशतगर्दी का सबक दिया गया और जिसमें कत्ल व गारतगिरी का, मारने धाड़ने का, ये सब बातें गलत हैं। सही मानों में अगर कुरान को, जैसे कि मौलाना ने भी बताया, सही अगर कुरान को समझेंगे तो इस्लाम तो अमन और शांति का मजहब, जिसके नाम से ही सलामती और अमन और शांति टपकती है, वो इस्लाम भला कैसे जो है कत्ल व गारतगिरी, मार धाड़, जुल्म, ज्यादती की तालीम दे सकता है। मुसलमानों के लिए बस यही है कि कुरान को अपने दामन से, कुरान को अपने सीने से लगाएं। आने वाला महीना कुरान का महीना है, कसरत से कुरान पाक की तालीम करें, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, हर एक बच्चे को कुरान की तालीम दें, कुरान को समझें, कुरान पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। बस यही मुसलमानों के लिए इन हालात में जो है वो पैगाम। और साथ साथ मैं अपनी कौम से आखिरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान किसी फर्द, जमात, कम्युनिटी, नेशनलिटी, मुल्क या अदालत की रहीन मिन्नत हरगिज नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान को नाजिल फरमाया है, हिफाजत का इंतजाम भी खुद परवरदिगार आलम ने कर दिया है। आज किसी कोर्ट या प्रेस का मोहताज हमारा कुरान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में करोड़ों हुफाज के सीनों में कुरान महफूज है और जहां अभी अगर किसी मलऊन ने एक जेर, ज़बर या नुक्ते की भी फर्क करने की कोशिश की तो यकीनन कुरान खुद अपनी सदाकत और सच्चाई का ऐलान बाबा के दुहल करता आया है और इंशाअल्लाह कयामत तक करता ही रहेगा। कुरान है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। परवरदिगार आलम हमें, हमारी कौम को हकीकत समझने और ऐसे जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए कानूनी कोशिश करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बेलगाम शहर के उलमाए दीन इल्मी दानिश्वर मुफ्ती जुहैर साहब और मुफ्ती मंजूर मिज़बाई साहब। उन्होंने जो आज का जो दहकता मौजू है कि मरदूद वसीम रिजवी जिसने पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा उन्होंने यही बात कही कि 23 आयत 26 आयत तो बहुत दूर की बात, जेर जबर नुकता तक तब्दील नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आगे भी इसी तरह से हम मेहमानों को बुलाते रहेंगे और दहकते मौजुओं पर उनकी राय हम लेते रहेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।